जिस पैर और पैर में नहीं होता है तो वो ज़्यादा शोर करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, लेकिन अगर पैर में होते हैं तो वो ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं, वो जोड़ों के साथ में रहना पसंद करते हैं। आप देख सकते हो मैंने अभी गर्मी की सीज़न है तो उसके लिए ये मक्स चने सिंग उसको एक दिन पानी में रखना है और दूसरे दिन उसको खिलाना है और वो अच्छे से खा लेते हैं। आप देख सकते हो कैसे खा रहे हैं। ये मेल है, मजीस पैरट में मेल को पहचानना, जिसके सिर के ऊपर जो नोज होता है वो ब्लू कलर का होता है, ये फीमेल है। तो दोनों पैर में है, देखो इसे अच्छे से खा रहे हैं। ये वाला जो ब्लू शेड में है वो मेल है और येलो नोज है, ये अभी फीमेल है। आप देख सकते हो उसके नोज पे येलो टोन है, मतलब वो फीमेल है। और ये वाली जो आई हमारी सोनू, ये मेरे बच्चे की फेवरेट बजरी है, फेवरेट पैरोट है, मेरे बच्चे के साथ खेलती है और कुछ भी उसको टच नहीं करती है, बहुत ही अच्छी तरह खेलती है। ये मेरा बच्चा उसके साथ बहुत अच्छी तरह खेलता है, तो देख सकते हो आप कैसे खा रही है। तो उसको ये खिलाने से उसका सेहत अच्छा रहेगा। ये भी हमारा मोनू है, सोनू और मोनू ये दोनों की जोड़ी है, ये सोनू है और ये मोनू है। आप देख सकते हो उसके कैसे खेल रही है, उसके अंदर की साइड आपको ये झूला लगाने से वो उसके साथ खेलेगी, झूले पे चढ़ेगी उतरेगी। ये मेरा लड़का है, आप देख सकते हो इसका नाम अयान पटेल है। वो अभी कभी भी घबराता नहीं, देखो ऐसे हाथ नहीं डालना है उसको, 2-3 घंटे अंदर से खाना निकाल देना है और आपको हाथ में बिठा के खाना खिलाना हो तो 2-3 घंटे उसमें से निकाल देना है खाना। अयान ऐसे मत करना है, ऐसे बिल्कुल मत करना है, क्योंकि उससे पैरोट्स थोड़े इधर उधर जाते हैं, इधर उधर तो जाते हैं। थैंक यू मित्रों, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, मेरे बच्चे के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे बजीज पैरोट के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, सोनू मोनू के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने बजीज पैरोट को अभी गर्मियों के सीज़न में आप मक्स चने सिंग उसको एक दिन पानी में रख के सुबह आपको ये खिलाना अच्छा है, वो अच्छे से खा लेती है। और आप देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे खेल रहे हैं, उससे उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी। आप देख सकते हो खाया।